नमस्कार मित्रों, आपका मैं आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एसोलियर एजुकेशन क्यूसी मास में आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे पास दो बच्चे हैं, जिसमें आप लेफ्ट साइड में आध्या को देख रहे होंगे। आध्या अपना फर्स्ट टर्म का लाइव असेसमेंट टेस्ट देने जा रही है, और राइट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे आयुष है। आयुष अपना फिफ्थ टर्म का देने जा रहे हैं लाइव असेसमेंट टेस्ट। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लाइव असेसमेंट टेस्ट। सबसे पहले मैं ओरल्स बोलूँगा, जिसमें आध्या ओरल्स को लिसन करेगी और अबैकस को यूज़ करके उनके आंसर ब्लॉक्स में लिखेगी। तो हम आध्या से शुरू करते हैं। रेडी आध्या? यस सर। तो लेट्स स्टार्ट। 5 - 2, 3, 6, दैट इज। नेक्स्ट 8 - 4, 3, 7, दैट इज। नेक्स्ट 5, 6, 2, 4, दैट इज। नेक्स्ट 6, 7, 5, 9, that is. Next 4, 9, 6, 5, that is. Next 2, 3, 8, 7, 3, that is. Next 9, 5, 8, 3, 2, that is. Next 8, 1, 7, 5, 8, that is. Next 9, 2, 5, -3, 6, that is. Next 6, 9, 8, 4, 7, that is. अब आध्या आप रुक जाओगे, आयुष को मैं ओरल्स बोलूंगा, उसके बाद हम टाइमर लगाकर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? ओके। रेडी आयुष? यस सर। 9, 3, 4, -7, 5, 8, 3, 6, 9, -4, 8, 2, 9, -7, 5, that is. Next 4, 8, 3, -6, 9, 5, 2, 8, -7, 6, 3, -2, 7, -4, -3, that is. Next 6, -2, 7, 4, 8, 3, 7, 2, -9, 4, 6, -3, 8, -5, -7, that is. Next 7, 5, 3, 8, 6, 9, -4, 3, 6, 8, -7, 1, -6, 5, -3, that is. Next 6, 8, 9, -7, 4, 3, 2, 8, -6, -4, 9, 3, -4, -7, 1, that is. Next 78, 54, -38, 14, 96, that is. Next 26, 39, -18, 47, 53, that is. Next 45, 68, 92, -36, 84, that is. Next 12, 94, -63, 29, 78, that is. Orals complete हो गए हैं। आप लोग अपना next page शुरू करेंगे। आपका बेटा सेम पेज पर है। सेक्शन आपका सेक्शन बी शुरू होने जा रहा है आयुष। yes,
आपका भी आध्याय सेक्शन बी शुरू होने जा रहा है, ठीक है। सेक्शन बी में 20 सम्स है, आपका टाइमर लगा है, आप जैसे ही आपके 20 सम्स कंप्लीट होंगे, ठीक है, और आपने टाइम पूछ लेना है हमसे और मैं टाइम बता दूंगा आपको, ठीक है। रेडी? यस सर। स्टार्ट। तो दर्शकों, आपने देखा कि हमारे लाइव असेसमेंट टेस्ट में एक बच्चा फिफ्थ टर्म का, जो कि मेरे राइट हैंड साइड पे है, जिसका नाम आयुष है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आध्या है, जो फर्स्ट टर्म का टेस्ट दे रही है। तो ये सिंगल सिंगल बच्चों का टेस्ट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कभी हम दो बच्चों का लेते हैं, कभी हम तीन बच्चों का लेते हैं। बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 हम अपने क्लासरूम में बहुत भीड़ इकट्ठी नहीं करते हैं पहले की तरह, नॉर्मल टाइम जैसे था हमारा कोविड से पहले। तो हम क्या करते हैं, दो दो बच्चों को बुलाते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना होने पाए किसी को भी। और आप देख रहे हैं हमारे दोनों बच्चे आराम से अपने लाइव असेसमेंट टेस्ट को दे रहे हैं। और मैंने हमेशा की तरह सभी से, सभी दर्शकों को, सभी पेरेंट्स को, सभी माता पिताओं को आग्रह किया है, उनको रिक्वेस्ट की है कि आप भी अपने बच्चे को कैलकुलेटर से फास्ट मैथमेटिक्स करना सिखा सकते हैं। उसके लिए सिर्फ करना यही है कि आप अपने बच्चों का एसोलियर एजुकेशन यानी कि क्यूसी मास में एनरोलमेंट कराएं, उनका दाखिला कराएं और अपने बच्चों को बनाएं कैलकुलेटर से फास्ट गणित के सवालों का जवाब पलक झपकते ही देने में सक्षम। कैपेबिलिटी बच्चों की आ जाएगी जिसमें बच्चे का वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका डेवलप हो जाता है और बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन सेंटर्स पे, अपने परफॉर्मेंस पे कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। अबैकस एजुकेशन से ना सिर्फ मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है बल्कि बच्चे का अदर सब्जेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन डेवलप होता है, पिक्चराइजेशन मेमोरी डेवलप होती है, होल ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस हैं ये, जिससे बच्चे का दिमाग पूरी तरह विकसित हो जाता है और बच्चे कैलकुलेटर से भी तेज मैथमेटिक्स कर पाते हैं, कॉन्फिडेंट हो पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर अपने क्लासरूम में अपनी टीचर्स की बात सुन और समझ पाते हैं। यही सारी बातें मैं सभी दर्शकों को, सभी माता पिताओं को समझाने की हर बार कोशिश करता हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि वो मेरी बातों को समझ सके और अपने बच्चों को भी सक्षम बना सके अपने जीवन के सभी मार्ग उनके अच्छे हो सकें। खास तौर पे बच्चों की जो नींव होती है वो एजुकेशन से ही निर्धारित होती है और एजुकेशन एक ऐसा पार्ट है जिससे बच्चे का फ्यूचर, बच्चे का भविष्य निर्भर करता है। इसीलिए ये एक ऐसी क्लासेस हैं जिसमें बच्चे अपने गणित के सवालों का जवाब तो मिनटों और सेकंडों में देते ही हैं, साथ के साथ बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, उनका सेल्फ रिलायंस इतना डेवलप हो जाता है, उनको बहुत ही मज़ा आता है इस क्लास में और वो बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। सर टाइम 3:46। तो आपने देखा आयुष ने कर दिखाया, सिर्फ 4 मिनट से भी कम समय में अपने 20 सवालों का जवाब, जो कि मल्टीप्लाई था ना बेटा? हाँ जी। तो 20 सम्स के आंसर उन्होंने सिर्फ 4 मिनट से भी कम समय में कर दिया। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एजुकेशन विच इज़ अबैकस एजुकेशन, और ये संभव हो पाया है एसोलियर एजुकेशन द्वारा।
देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, और ये एसोलियर एजुकेशन द्वारा, क्यूसी मास द्वारा। फाइव मिनट 40 सेकेंड। तो आध्या ने भी देखिए कर दिखाया 5 मिनट 40 सेकेंड में अपने 20 सवालों का जवाब। आध्या अब आपका सेक्शन सी शुरू होगा जिसमें आप मेंटली करोगे ना, मेंटल है ना बेटा? हाँ, आप बैकस को साइड में रखेंगे। अब अगेन मैं टाइमर फिर से फिक्स करूँगा, तो अभी रुक जाएंगे, जैसे ही मैं स्टार्ट बोलूँगा तब आपने करना है, ठीक है? तो मैं रीसेट कर दिया मैंने टाइमर को, दर्शकों आप देख पा रहे होंगे मैंने टाइमर को रीसेट कर दिया है स्क्रीन पर। तो हम आयुष आपका सेक्शन सी शुरू होने जा रहा है, ठीक है? तो वो भी आपने मेंटली करना है, ठीक है ना? तो रेडी आध्या? यस सर। रेडी आयुष? यस सर। स्टार्ट। टाइम 1 मिनट 20 सेकेंड्स। तो दर्शकों आपने देखा आयुष ने अपने डिवाइड था मल्टीप्लाई था बेटा, डिवाइड के सम्स कर दिए, 20 सम्स के आंसर किए सिर्फ 2 मिनट से भी कम समय में, मतलब 1.5 मिनट से भी कम समय में उन्होंने कर दिखाया। तो यही बात मैं हर बार आप सभी लोगों से कहता हूँ कि बच्चे इतने सुपर फास्ट हो जाते हैं गणित में, और सभी दर्शकों को ये पहले से ही पता होगा कि गणित यानी कि मैथ्स और साइंस दोनों ही कॉन्सेप्ट लर्निंग प्रोग्राम होते हैं जिसमें बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उसके लिए कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, बहुत ही बहुत आसान हो जाता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे मैं आराम से आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बच्चे अपने गणित के सवालों का जवाब देने में व्यस्त होते हैं और बहुत ही कम समय में कर पाते हैं। तो आयुष ने कर दिखाया सिर्फ 1.25 मिनट में ही अपने 20 सवालों के डिवीज़न के सम्स यानी कि भाग के। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जैसे ही अध्याय का ये कंप्लीट हो जाता है सेक्शन सी का, तो अध्याय का कंप्लीट हो जाएगा, आयुष का थोड़ा सा रह जाएगा, तो वो भी दर्शकों हम साथ के साथ बने रहें हमारे इस वीडियो में। और दोबारा से मैं आग्रह करता हूँ सभी दर्शकों से, सभी माता पिताओं से, कि वो भी अपने बच्चों को सक्षम बना सकते हैं, कैलकुलेटर से फास्ट बना सकते हैं, गणित के सवालों का बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं।
आयुष का मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ दर्शकों। आयुष अपना पेपर दे दो बेटा जरा एक मिनट। हाँ तो दर्शकों आप ये देखिए इनका पेपर, इन्होंने अपने सारे, तो ये रिजल्ट होता है अबैकस सीखने का, देख सकते हैं दर्शकों। रख लो आयुष ये साइड में रख लो। अब आपका नेक्स्ट पेपर शुरू होगा तो मैं, टाइम है 3.59 सेकेंड्स, पॉइंट डॉट लगाओ दो, 3 मिनट 59 सेकेंड, 59 सेकेंड्स, 3 मिनट्स 59 सेकेंड्स। तो आध्या ने कर दिखाया अपने और 20 सवालों का जवाब, जो कि लगभग 4 मिनट में कंप्लीट कर दिया। तो आध्या का टेस्ट तो कंप्लीट हो गया, वेरी गुड आध्या। आप वहीं बैठोगे, अपने पेपर को टर्न कर दो, ठीक है आध्या। और अभी हम आपसे बात भी करेंगे, हम आयुष का पहले शुरू करा देते हैं। बेटा आप अपना जो नेक्स्ट पेपर है उसको टर्न कर लो, ठीक है। अब आपका अबैकस से होगा, सेक्शन सी है ना आपका या डी है? सी है, तो आप अबैकस से करेंगे, ठीक है। 20 सम्स हैं इसमें भी बेटा? टेन सम्स हैं। तो अभी 10 सम्स आयुष करेंगे, जो कि फिफ्थ टर्म का अपना टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें अबैकस से करेंगे, ठीक है। तो एक मिनट में टाइमर लगा देता हूँ, पहले इसको वो करने दो। आर यू रेडी? यस सर। स्टार्ट। तो अब आयुष अपने बाकी 10 सवालों का जवाब देने में व्यस्त है, तो हम क्या करते हैं इस बीच में आध्या से बात कर लेते हैं। तो आध्या अब हम आपसे बात करेंगे, तो आपको बेटा आपका फर्स्ट टर्म का आज लाइव असेसमेंट टेस्ट हो गया, और मुझे आप ये बताओ कि आपको अबैकस सीखने में कैसा लग रहा है, मतलब आई मीन कि आपको अबैकस सीखना अच्छा लग रहा है या नहीं? यस सर, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपके इस बार मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं? सर मेरे मैथ्स में इस बार 99% आए हैं। 99% आ गए? यस सर। अच्छा तो आप कौन सी क्लास में हो? सर मैं अभी सेकंड में। सेकंड में, तो आप जब फर्स्ट में थे तो आपके कितने मार्क्स आए थे? सर उस समय तो 80 के आसपास। अच्छा 80 के आसपास आए थे। अच्छा तो मतलब हम लोग देखें कि आपको अबैकस से हेल्प मिल रही है, मतलब आपके मार्क्स एनहांस हो गए, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अबैकस एक ऐसा माध्यम बन गया है, अबैकस आपके पास एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आपके मार्क्स एनहांस हो गए। तो दर्शकों आपने देखा कि आध्या के मार्क्स जो कि फर्स्ट क्लास में जब ये थी तब 80 समथिंग होते थे, नाउ इट इज़ 99, है ना, यही कह रहे हो ना आध्या। तो अच्छा मुझे ये आप बताओ कि आपको अबैकस सीखना क्यों अच्छा लगता है, मज़ा आता है, फन है, क्या है, मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा है ये बताओ आप। सर मुझे ये सीखने में अच्छा लगता है, और स्पेशली जो बीट्स होती है उसको ऐसे ऊपर और नीचे करने में मुझे मतलब आनंद आता है, एन्जॉय मिलता है। तो दर्शकों आपने देखा कि बच्चे को कितना आनंद मिल रहा है, एन्जॉय मिल रहा है, मतलब एक ऐसी स्टडी जिसमें मार्क्स तो बढ़ ही रहे हैं बच्चे के, शी इज़ वेरी हैप्पी कि वो बता पा रही है कि अबैकस की बीट्स को अप डाउन करने में शी इज़ एन्जॉइंग, उसको मज़ा आता है। तो एक ऐसी विद्या, एक ऐसा एजुकेशन जिसमें बच्चे जो हैं आनंद लेते हैं, मज़े मज़े में पढ़ते हैं, तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। तो आप भी अपने बच्चों को ऐसा एजुकेशन दिला सकते हैं जिससे बच्चा आपका कैलकुलेटर से फास्ट, मज़े मज़े में करे, फ्री माइंड से करे, तो कितना प्रेशर, कोई आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि आध्या को कोई प्रेशर है। बेटा आपको कोई प्रेशर लगता है इस पढ़ाई से? नो नो सर। आप एंजॉय करते हो? यस सर। है ना, तो आपने देखा दर्शकों की आध्या को एंजॉय करती है, वो सेकेंड क्लास में है बच्ची, और बहुत ही आनंद लेकर एजुकेशन को प्राप्त कर रही है, अबैकस एजुकेशन को, और इससे उसको बेनिफिट।
अब आयुष का टाइम देखते हैं, आयुष ने टाइम पूछ लिया अपना 3 मिनट 15 सेकेंड्स। तो आयुष का जो है अबैकस के थ्रू 10 सम्स 3 मिनट में हो गया। अभी बेटा सेक्शन आपका कौन सा शुरू होने जा रहा है? सेक्शन डी के कितने सम्स हैं? 20 सम्स हैं और वो होगा आपका मेंटल। तो शुरू करते हैं हम अपना सेक्शन डी का। पहले मैं इसको 0-0 कर लेता हूँ, सॉरी इसको रीसेट कर लेता हूँ आई मीन, और स्टार्ट करते हैं हम अपना, लेट स्टार्ट। तो दर्शकों देखा आपने कि मैं आध्या से बात करने में व्यस्त हूँ, लेकिन साथ में बगल में ही आयुष है जो कि अपना फिफ्थ टर्म का लाइव असेसमेंट टेस्ट दे रहा है, बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उस पर चाहे जितना उसके सामने बात कर ले या कुछ भी कर ले, और वो मेंटली भी कैलकुलेटर से फास्ट मैथमेटिक्स कर रहा है। तो आप देख भी रहे होंगे बच्चा आसानी से अपने गणित के सवालों का जवाब बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ कर रहा है, उसका इंटरेस्ट है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस एजुकेशन। और हर बार मैंने यही गुजारिश की है, यही निवेदन किया है, यही आग्रह किया है सभी से कि आप हमारे सेंटर पर आकर इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, लाइव डेमो देख सकते हैं। जैसे आध्या है, आध्या हमें लाइव डेमो दिखा सकती है, आयुष है, आयुष हमें लाइव डेमो दिखा सकता है, और बहुत सारे बच्चे हमारे पास हैं जो कि लाइव डेमो दिखा देते हैं। लाइव डेमो से ये हो जाता है कि जो भी पेरेंट्स फर्स्ट टाइम आते हैं, या मान लो उनको अबैकस के बारे में पता है या नहीं भी पता है, तो जितना भी पता है और ज़्यादा जानकारी उनको मिल सकती है। तो सभी दर्शकों से मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा, उनको आग्रह करना चाहूँगा कि वो भी अपने बच्चे को कैलकुलेटर से फास्ट बना सकते हैं। वो सर टाइम 1.32 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट 33 सेकेंड्स, 32 सेकेंड, वेरी गुड। तो दर्शकों आपने देखा कि 20 सम्स के आंसर आयुष ने कर दिया सिर्फ 1 मिनट 32 सेकंड में, यानी 1 मिनट 32 सेकंड्स में। और मैं आपके साथ बात करता रहा और उसने अपने सभी गणित के सवालों का जवाब दे दिया। तो आयुष से हम बात करते हैं कि आयुष को क्यों मज़ा आता है अबैकस सीखने में, क्योंकि आयुष का फिफ्थ टर्म का लाइव असेसमेंट टेस्ट हो गया। आयुष कैमरे की तरफ थोड़ा देखो बेटा। तो अब बेटा हमारे दर्शकों को ये बताओ कि अबैकस, अब आप पहले ये बताओ कौन सी क्लास में हो? सर फिफ्थ क्लास में। बेटा फिफ्थ क्लास में है, आयुष हमारा फिफ्थ क्लास में है। तो अब हम देखते हैं, और फिफ्थ टर्म में यहाँ अबैकस में है। तो अब बेटा फिफ्थ क्लास में आप स्कूल में हो और फिफ्थ टर्म में आप यहाँ अबैकस में हो, तो दोनों का मैच तो नहीं होता। खैर वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट मैथ्स में बच्चे को स्पीड मिलता है। हम आयुष से ही बात कर लेते हैं कि आयुष आपने आज फिफ्थ टर्म का लाइव असेसमेंट टेस्ट दिया। अब मुझे ये बताओ कि आपको इतने टाइम से आप अबैकस सीख रहे हो, तो क्या बेनिफिट्स मिले? मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई है, और मैथमेटिक्स की भी सबसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, तो और क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको अबैकस सीखने से? और सर हमें मुझको ऐसा लगता है कि मैं स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छा मैथमेटिक्स में ही करता हूँ। अच्छा, मतलब करते भी हो या सिर्फ लगता है? टीचर्स कहते हैं आपको? नहीं सर, टीचर्स तो नहीं कहते। अच्छा टीचर्स नहीं कहते, बट आपके मैथ्स में मार्क्स कितने आते हैं ये बता दो। सर मैथ्स में तो अच्छे आते हैं। नहीं कितने मार्क्स, जैसे अभी आपका आप फिफ्थ में तो अभी आए होगे ना आप? सर। अच्छा, इससे प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल आप फोर्थ में थे, तो फोर्थ क्लास में आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए? सर वो तो नहीं पता। अच्छा अभी आए नहीं, आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं आया है? सर आया लेकिन पता नहीं है कितने मार्क्स है। अच्छा, तो स्कूल वालों ने दिया नहीं है अभी आपको? है मिला लेकिन अभी पता नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, बट फिर भी आपको कुछ आइडिया होगा कि आपका कितने में से कितना आया मैथ्स में? कुछ ऐसे आइडिया एक अप्रॉक्स आपके माइंड में होगा कि आपके कितने मार्क्स आते हैं नॉर्मली? सर मुझको लगता है मेरे फुल मार्क्स आते हैं। अच्छा 100 out of 100 आते हैं? कितने में से आपके मार्क्स होते हैं, 100 में से होते हैं या 80 में से होते हैं? सर 30 में से या फिर 25 में से।
अच्छा 30 में से या फिर 25 में से आपके मार्क्स आते हैं, तो मतलब ये 25 में से 25 ही आते हैं आपके और 30 में से 30 ही आते हैं आपके, जो प्रीवियस टेस्ट हो रखे हैं वही आप बता रहे हो ना? Yes, sir. अच्छा, तो दर्शकों आपने देखा कि हमारे बच्चे के जो टेस्ट हुए स्कूल में, जो कि 30 में से 30 ही बच्चा ला रहा है, यानी 100% दे रहा है, रिजल्ट उसका मैथ्स में 100% है। कुछ तो देखिए बच्चे भी अच्छे होते हैं, कुछ अबैकस का हेल्प मिल जाता है, इस वजह से बच्चों के मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। बेटा और कुछ आप बताना चाहोगे दर्शकों को अबैकस के बारे में? आजकल जो क्लास में टेस्ट होते हैं उसमें मेरे को फुल मार्क्स आते हैं मैथ्स के टेस्ट में। अच्छा बेटा थोड़ा मुझे ये बताओ कि अबैकस सीखने के बाद आपको जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो इम्प्रूव हुआ है आपका, कॉन्सेंट्रेशन लेवल? यस सर। तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका इम्प्रूव हुआ तो सिर्फ मैथ्स में ही आपको अच्छा लग रहा है या बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा लग रहा है? बाकी सब्जेक्ट में भी अच्छा लगता है। तो देखा दर्शकों मैंने आयुष से बात की, आयुष को ना कि सिर्फ मैथ्स में अच्छा लगता है यानी कि बाकी सब्जेक्ट में, जैसे साइंस में आपको अच्छा लगता है बेटा? साइंस उसको देखिए बहुत अच्छे से समझ में आती है, इंग्लिश हिंदी तो समझ में आती होगी बेटा आपको? हाँ। और आप अपनी क्लास में फर्स्ट आए हो? नो सर, सेकंड आए। आप सेकंड आए हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने क्लास में रैंक कर रहे हो। मतलब दर्शकों आपने देखा कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल आप देखिए कि वो बात कर पा रहे हैं स्क्रीन पर। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे बच्चे जो है बात नहीं कर पाते हैं, उन शाय होते हैं, शर्माते हैं, और ये दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं जो कि बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं। और ये सारा कॉन्फिडेंस लेवल आता ही तभी है जब बच्चे को स्टडीज़ में वो अव्वल होते हैं, यानी कि अपने पढ़ाई में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे पाते हैं, तो उनको क्या होता है कि सम्मान मिलता है, अपने स्कूल में मिलता है, अपने दोस्तों के बीच में मिलता है, अपने फ्रेंड्स के बीच में मिलता है, उनके रिलेटिव्स के बीच में मिलता है कि बच्चा हमारा बहुत अच्छा पढ़ने में है, और साथ ही साथ जो ट्यूशन सेंटर में जाते हैं ये सभी चीज़ें संभव हो पाती है बच्चे के दिमाग की तो बात होती ही होती है, साथ में उस स्कूल की भी बात होती है और कुछ थोड़ा जो हम लोग अबैकस सिखाते हैं उससे भी बच्चे को हेल्प मिल रही है, तो सभी का सहयोग होने के बाद ये बच्चे इतने अच्छे परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो दर्शकों आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और बहुत बहुत आभार आपका इस वीडियो देखने के लिए। तो हमेशा के लिए आप हमारे दर्शक बने रहें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना तो कभी भी भूले ही ना गलती से, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें जो कि नोटिफिकेशन बेल होता है जिससे आपको नया से नया वीडियो तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। तो इसी के साथ दर्शकों मैं इजाज़त लेना चाहूँगा आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, इसी तरह आप बने रहें, स्टे ट्यून विद एसोलियर एजुकेशन QC मास। थैंक यू।